गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू दी माय चैनल। आपका हमारे चैनल टेक्निकल नॉलेज एंड एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग का बहुत ही ताबड़तोड़ चैप्टर लाए हैं जो कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस चैप्टर का नाम हम आपको बता दे रहे हैं और आप देख भी सकते हैं कहाँ पर लिखा गया है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है वर्ण माला क्रम और मिश्रित श्रृंखला, ठीक है ना, वर्ण माला क्रम और मिश्रित श्रृंखला। तो आज हम आपको यही वर्णमाला क्रम और मिश्रित श्रृंखला पढ़ाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही नोटिफिकेशन हम लाते रहते हैं। और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। और जिस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक पे आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे हम पढ़ा देंगे आपको। जहाँ ना समझ में आए उस पर कमेंट कर दीजिए तो हम वहाँ पे फिर से आपको पढ़ा देंगे। तो हम चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं तो बिल्कुल 110% गारंटी है आपको नहीं समझ में आएगा, 110% गारंटी है। उसके बाद अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, अगर न समझ में आए तो मेरी ये गारंटी है कि आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे वर्णमाला क्रम और मिश्रित श्रृंखला बताते हैं क्या होता है। वर्णमाला क्रम ऐसा प्रतीत होता है कि वर्णमाला क्रम वर्णों का समूह जो क्रम में हो उसी को वर्णमाला क्रम बोलेंगे। उसके बाद मिश्रित श्रृंखला जिसमें मिक्स हो सभी, गिनती भी हो, ABCD भी हो, ये सब मिक्स्ड श्रृंखला है, तो यही इसी को वर्णमाला क्रम और मिश्रित श्रृंखला बोलते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे ABCD होता है, तो उसके सबसे पहले इसमें कुछ याद रखने योग्य बिंदु, याद रखने योग्य बातें होती है, तो उसको हम लिखते नहीं, आपको ऐसे बता देते हैं, आप लोग समझ लीजिए या फिर आप अपने नोट्स में नोट कर ले। तो सबसे पहले इसमें जो याद रखने योग्य बातें होती हैं क्या क्या बातें, तो देखिए जानते हैं हम कि यदि कोई श्रृंखला बाएं से शुरू होती है, यदि कोई श्रृंखला मतलब शुरुआती बिंदु से शुरू होती है उसी को बायां श्रृंखला बोलते हैं, और जिस सिरे पे वो खत्म होती है उसी को दायां श्रृंखला बोलते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब आपको हम एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे, अवश्य से समझाएंगे। तो देखिए ABCD है, ठीक ना, ABCD है और EF, हाँ EF मान लीजिए, ये देखिए ABCD जो ए जो है इसमें ये बायां श्रृंखला है, क्या है, बायां श्रृंखला है। उसके बाद ये कौन सा दायां श्रृंखला, एफ जो है दायां श्रृंखला है, ठीक है ना, एफ जो है दायां श्रृंखला है। इसी के हिसाब से इसमें बात यह कहा गया है कि अगर कोई श्रृंखला शुरुआती बिंदु से शुरू होती है या शुरुआती बिंदु से शुरू होती है तो उसे बायां श्रृंखला बोलते हैं, और कोई अंतिम बिंदु सिरे पर खत्म होती है तो उसे दायां श्रृंखला बोलते हैं। तो इसमें और हमको याद रखने योग्य बिंदु, इसको हम मिटा देते हैं, इसमें और कुछ जो रखने योग्य बिंदु है तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें इसमें अक्षरों की स्थिति के बारे में जान लेना चाहिए। अगर आप लोग जानते हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ हमें पता था, ये सब हमको आता है क्वेश्चन, तो ठीक है। तो हम सबसे पहले अक्षरों की स्थिति के बारे में जानेंगे, तो ठीक ना। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं था आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अक्षरों की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो अक्षरों की स्थिति के बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं ए से लेकर जेड, ठीक है ना। तो चलिए जैसा कि हम लिखते हैं, देखिए ABCDEF GH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है ना। अक्षरों की स्थिति के बारे में कैसे बताएंगे, आप लोग कमेंट करिए ना, आता हो कमेंट कर दीजिएगा। तो जैसे कि हम बताते हैं, देखिए ए जो है, एक मिनट वीडियो में देखने पूरा आ रहा है नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है आ रहा है पूरा। तो जैसा कि देखिए जो है वो यहाँ पे ए है, ए कितने पे आता है, ए वन पे आता है, 26 अक्षर होता है तो 26 स्थिति होंगी इसके, तो ए वन हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पर लिख देते हैं B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K 11 L12 Y13 Y14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 24 25 26। जैसा कि आप लोग कहेंगे ये कैसे याद होगा, आप लोग कमेंट करेंगे अवश्य ये कैसे याद होगा, इसके लिए भी हम ट्रिक लेके आए हैं भाइयों।
तो जैसा कि ये जो अक्षर है, ये वाला जो है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसी आप इस इसे याद नहीं कर पाते तो आप लोग इसी में फंस जाते हैं, ठीक है। हम इसको याद करने का भी ट्रिक बताएंगे, लेकिन पूरा तो नहीं, आप अगर दिमाग लगाएंगे तो कुछ तो कुछ जरूर याद आ जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए ट्रिक क्या है मेरा, लिखते हैं भाई, ठीक है। देखिए ट्रिक मेरा है ई जे ओ टी इजोटी, ठीक है। पहला ट्रिक हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट इसमें देखिए हर अक्षर पांच पांच के अंतर में होंगे। देखिए ये पांच में हो गया पांच, जे का देख लीजिए टेन, जे का देख लीजिए आप टेन है नहीं, अन्यथा आप हमें कमेंट करिएगा गलत पढ़ाता है। तो ओ है पंद्रह, ये बीस, वाई ट्वेंटी फाइव, ठीक है ना। ये देखिए पहला ट्रिक है, इसमें पांच पांच का अंतर है, दूसरे मार्कर चिन्ह भर देते हैं जो है, इसपे पांच पांच का अंतर है, ठीक ना, इस पे जो है पांच पांच का अंतर है। उसके बाद दूसरा ट्रिक है जिसमें छह छह का अंतर है, उससे आप कुछ तो अक्षर याद कर लेंगे, अवश्य मेरे भाई याद कर लेंगे। तो दूसरा क्या है एफ एल आर एक्स, ठीक है ना, इसमें छह छह का अंतर है, छह बारह अठारह चौबीस, ठीक है ना, इसमें जो है छह छह का अंतर है, इसको भी हम इसे से चिन्ह मार देते हैं दूसरे मार्कर से। तो देखिए इसमें जो है छह छह का अंतर मार, आप लोग 110% गारंटी के साथ कहते हैं अगर आप लोग इतना याद कर लेंगे तो आपको वर्णमाला क्रम और मिश्रित श्रृंखला में कोई नहीं सर सॉल्व करने में रोक पाएगा। तो जैसे कि हम दूसरा अब आपको बताते हैं दूसरा सवाल, तो इसको हम मिटा सकते हैं, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे विपरीत अक्षर, ये तो जो था स्थिति था मेरा, स्थिति अक्षर हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं स्थिति अक्षर, स्थिति वर्णों की स्थिति, वर्णों की स्थिति, ठीक है ना। तो ये हो गया, उसके बाद बात आती है विपरीत अक्षर, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के अवश्य कर रख लीजिए मेरे भाई, क्योंकि आप इसे क्वेश्चन को कभी नहीं बजेंगे इसमें से। तो हम इसको तुरंत मिटाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, तो आप लोग वीडियो की स्क्रिप्ट में मत देखिएगा। तो अब हम इसे मिटा दिए हैं, अब आपको बताएंगे विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर का भी हम ट्रिक लेके आए हैं। तो देखिए विपरीत अक्षर, अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं विपरीत अक्षर, भाई आप लोग कहेंगे कि कैसा विपरीत अच्छा, विपरीत उपरीत तो कभी नहीं सुने थे। तो विपरीत उपरीत इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि देखिए, जैसे मान लीजिए ए का विपरीत क्या होगा, ए जो है ए हो गया, उसका लास्ट वाला अक्षर क्या होगा जेड, ए जेड होगा, बी वाई होगा, सी एक्स होगा, डी डब्ल्यू होगा। तो आप लोग कहेंगे ये कैसे याद हो गया, तो हम बताएंगे इसको आपको भी। देखिए पहले हम इसको विपरीत अक्षर लिख देंगे, देखिए ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ एन, सॉरी यहां पे गलती हो गई, यहां पे यू होगा। तो देखिए यहां पे यू हो जाएगा जी टी एच एस आई, जी हो गया जी टी एच एस आई आई आर जे क्यू, जे क्यू ये क्यू है, ठीक है ना, जे क्यू हो गया, जे आई जे के पी हो गया के पी, उसके बाद जे के एल, ठीक है, यहाँ पे के हो गया, के का पी हो गया, उसके बाद यल, यल कहता है ओ हो गया, उसके बाद यल, इसे हम थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो वहां पूरा नीचे दिखेगा नहीं, ठीक है ना, थोड़ा होगा ज्यादा नहीं। तो के हो गया, एल हो गया, एम आता है बात, एम का हो गया यन, आप लोग ऐसे देख लीजिए यन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सभी सही, ए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम सब सही है। तो देखिए इस तरफ होंगे जो 13 अक्षर होंगे, दो दो चार दो छह दो आठ दो दस दोबारा एक 13, और इसका विपरीत 13 हो गया, 13 दोनों 26 हो गया। अब इसको हम याद करने का आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है देखिए, आप समझिए पहले ए जेड, ए जेड से आपको क्या आता है आज, तो ठीक है देखिए हम लिख देते हैं ए, और जो नहीं है उसे छोटे में इसे हम रेड मार्कर से लिखें,
ठीक है ना। तो देखिए जो बड़ा है ए, जिसको याद करना है, इसको नहीं याद करना है इसको, ठीक। ये देखिए इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आज हो गया, बी वाई से बॉय हो गया। इसमें हम आपको पूरा पढ़ा पढ़ाएंगे, और ऐसा कोई चैनल नहीं जो शुरू से बताएगा, हम इसमें शुरू से वीडियो बनाते हैं पूरे पहले चैप्टर, ठीक है। देखिए सी एक्स का हो गया क्रैक्स, क्रैक्स को सभी लोग खाए होंगे, सी आर ए एक्स, ठीक है, इसे हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ड्यू सभी लोग पिए होंगे, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, तो यहाँ पे हो गया ड्यू। ड्यू हो गया। अब इवनिंग सभी लोग जानते होंगे, शाम होता है, इवनिंग मतलब ई वी ई एन आई एन जी, तो ये दोनों अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि इसमें वी है। आप ऐसे याद करेंगे, फन से होता है फन, फन आनंद होता है, एफ यू एन को इस्तेमाल लिख देते हैं, तो ये हो गया फन। उसके बाद जी टी आता है, तो जी टी रोड लिख देंगे, ग्रांड ट्रंक रोड, जी टी रोड, ठीक है ना। उसके बाद हाई स्कूल तो सभी लोग किए होंगे, तभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसे याद कर सकते हैं इससे। ये चाहे जी एच एस सी एच डबल ओ एल, ठीक ना, उसे हम एच को अंडरलाइन कर देंगे, एस को कर देंगे। उसके बाद इंडियन रेलवे, सभी लोग अभी इससे पहले एग्जाम दे के आए होंगे, इंडियन रेलवे, आई एन डी आई ए, इंडियन रेल, ठीक ना। आई हो गया, आई हो गया, आर हो गया, ठीक ना, इसको हम इसे कर देंगे। उसके बाद जंगल क्यों, जंगल रानी सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पर लिखते हैं जे यू एन जी एल ए क्यों, क्यू यू डबल ई, जंगल क्यों मतलब जंगल रानी, ठीक है ना। उसके बाद इसे करने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। के से कानपुर तो सभी लोग गए होंगे, कानपुर हो गया के एन पी यू आर, ठीक, कानपुर हो गया। उसके बाद बात आती है यल, यल का ओ, इसे कैसे याद, इसे तो सबसे अच्छा है, सभी को याद हो जाए, 110% गारंटी के साथ सभी को याद रखेगा कि अभी तक है तो यल फॉर लव, ठीक ना, हंसी ये मत, इस पे लव हो जाएगा, ठीक ना, यल ओ भी ए, ठीक ना। इस पे देखिए इसे अंडरलाइन कर देते हैं। अभी आता है ये मैन का, तो इसे हम कैसे करेंगे, मैन, मैन में समझो आदमी है ही नहीं, ठीक ना, मैन यम के यन हो गए, ये विपरीत अक्षर हो गए, ठीक है ना। तो ये जो थे सब विपरीत अक्षर थे। उसके बाद हम तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ठीक है ना। तो चलिए हम इसे, आप लोग इतने शॉर्ट मान लीजिए, अब हम इसे मिटा दें, क्वेश्चन को तुरंत धड़ल्ले से सॉल्व करेंगे, आप भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, आपको लास्ट में होमवर्क भी देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं, इसमें शॉर्ट मान लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को हम नोट करने के लिए थोड़ा किताब का सहारा ले सकते हैं, है ना, ले सकते हैं ना। अगर नहीं लेना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, अगली बार हम नहीं लेंगे किताब का सहारा, तो किताब में हम कुछ और नहीं देखेंगे, आपको ट्रिक से बता दिए हैं, तो आपको डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है मेरा किताब में, पहला क्वेश्चन हम इसे लिखेंगे, देखिए आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे, ए बी सी एफ जी एच का मैं एलिमेंट, एफ जी एच का एल एम, चलिए आप लोग इंस्टॉल करिए, आता हो तो आंसर कमेंट करिए, ठीक है ना, अगर नहीं आता होगा तो हम बताएंगे भाई, चुप तो चलिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम इसे बताएंगे, ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जो हम बताएं दोस्तों उसी को याद करेंगे, तो आपका इसमें से 110% गारंटी आप किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे, देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है। तो देखिए ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी तो क्रमवाइज है, 1 2 3, उसके बाद देखिए दो अक्षर को छोड़ा है, डी को छोड़ा है, ई को छोड़ा है, ठीक है ना, बीच में अगर डी ई होते हैं तो उसके बाद एफ आता, तो मान लीजिए दो अक्षर हम छोड़ देंगे ना, छोड़ देंगे, उसके बाद ई डी ई को छोड़ देंगे, जिसे हम साइन मान लीजिए लिख देते हैं भूले ना, ताकि उसके बाद एफ जी एच, उसके बाद कितने अक्षर छोड़ा गया है, एफ जी एच के बाद आई जे छोड़ा गया है, आई जे के छोड़ा गया है, क्या छोड़ा है, आई जे के, ठीक, इसमें जो है तीन अक्षर छोड़ गए, एफ जी एच आई जे के, उसके बाद तीन अक्षर छोड़, उसके बाद एल एम एन, उसके बाद अब यहां पे देखिए दो अक्षर तीन अक्षर, यहां पे जो अक्षर आएगा चार अक्षर छोड़ा जाएगा, तक एन के बाद क्या आ गया, एल एम एन, देखिए एन के बाद ओ आएगा, तो हम चार अक्षर छोड़ देंगे,
ओ पी क्यू आर जब हम छोड़ देंगे तो यह अक्षर आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा यस टी यू, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं, देखिए हम आंसर देख लेते हैं एकदम 10% सही है। हम आपको बता दें, देखिए इसमें देखिए तीन अक्षर है ए बी सी, ठीक है ना। इसमें देखिए दो अक्षर छोड़ा गया है, डी ई की छोड़कर एफ जी एच आ गया है, उसके बाद फिर दो को छोड़कर तीन को छोड़कर देखिए आई जे के छोड़ेंगे तो एल एम एन आएगा। उसके बाद देखिए जब हम दो तीन क्रम वाइज है, यहाँ पे देखिए चार अक्षर छूट गया है, उसके बाद आ गया एस टी यू, हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा इसमें रीजनिंग है भाई, थोड़ा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो आपको समझ में, अन्यथा आप लोग को नहीं समझ में आ सकता। तो मेरे हिसाब से मतलब है, तो कहने का मतलब है आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आप किसी भी तर्क से आप इसे सेट कर लीजिए बस। तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आप लोग अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से बना देंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं डी एच एल डी एच एल पी टी एक्स बी एफ जे बी एफ, ठीक है ना, बी एफ जे, ठीक। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप किस तरह के से सॉल्व करेंगे बोलिए, तो हम बताते हैं। देखिए इसमें जो अच्छा है सभी, देखिए कितने के बाद है आप लोग बताइए। देखिए इसमें तर्क आपको लगाना है, इसी का नाम है तर्क अभियोगता। तो देखिए तर्क इसमें देखिए चार है, इसमें आठ है, इसमें बारह है, तो ठीक ना। इसमें देखिए डी का चार होता है, एच का आठ होता है, हम इसे लिख लेंगे चार आठ बारह। फिर इसमें कितना है पी का क्या होता है सोलह, सोलह। टी का कितना होता है बीस, एक्स का 24, वाई क्या आप लोग बोलेंगे कैसे याद कर लीजिए इतना जल्दी, भाई हम पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी, इसी कारण हमको याद भी है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा करिए 16 20 24 बी आता है, तो बी का कितना होता है दो होता है, फिर उसके बाद इसमें हम जब चार जोड़ेंगे तो छह आ जाएगा, एफ सिक्स आ जाता है, उसके बाद जे 10 आ जाता है। इससे पहले हम आप लोग को ट्रिक में बताया था इस तरीके से याद करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट बनेगा, देखिए इसमें जो बना है 12 12 24, देखिए सेम को ऐसे रहने देंगे। देखिए उसके बाद एक्स में जो 24 है, जे में 10 है, ठीक है, 12 12 24, ठीक 24 माइन, इसको इस तरीके से हम कुछ लिख सकते हैं। देखिए डी एच एल, उसके बाद पी टी एक्स, उसके बाद यहाँ पे बी एफ बी एफ जे हो गया, ठीक ना, उसके बाद बी एफ जे हो गया, हाँ उसके बाद देखिए बी एफ जे हो गया, उसके बाद यहाँ पे एल का कितना आया था 12, पी का कितना आया था 24, और इसमें से कितना आया दो आ गया, बी का दो आ गया, ठीक ना। इसको इस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे 12 है, 12 का दो गुना हो गया है, 12 12 24 हो गया, तो यहाँ पे जब इसको हम करेंगे तो इसमें भी देखिए 12 है, ठीक, इसमें जो 12 है इसमें देखिए 12 का दो डबल किया गया है, 12 का डबल किया गया भाई, देखिए 12 और 12 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24, और 24 से जब आप इसमें भी आप करिए भाई इस नियम लगाइए, देखिए दो है, दो में जो दो इसमें है, इसमें एफ का है जो एफ का है जो था 6 था, उसके बाद जे का क्या था 10 था, ये तो क्वेश्चन में ही है। उसके बाद जब आप इसमें जब 12 जोड़ेंगे तो आप इसमें भी 12 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे बताइए, जोड़ेंगे ना। तो देखिए जब आप इसमें अगर 12 जोड़ेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट बनेगा वो 14 हो जाएगा, उसके बाद 14 26 हो जाएगा, देखिए सब में चार का अंतर है, यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ देखिए दो में चार जोड़ा जाए तभी 6 आया है, इसमें भी अगर आप करेंगे तो देखिए 16 में चार जोड़ा 20 आया, तो 14 हो जाएगा एक, और यहाँ पे देखिए हाँ यहाँ पे जोड़ेंगे 14, उसके बाद 4 14 में चार जोड़ेंगे, देखिए दो में चार जोड़ा गया 6 आया, 14 में चार जोड़ेंगे तो 18, 18 में चार जोड़ेंगे 22। अब क्या आएगा मेरा आंसर, देखिए 14 किसका होता है इससे पहले बताया एन का होता था, और 18 किसका होता है आर का होता है, एफ एल आर एक्स से एफ एल आर एक्स से आप याद कर सकते हैं 6 × 18 आएगा, तो 18 ये आर हो गया, उसके बाद 18 हो गया, सॉरी यहाँ पे एन हो गया यार, एक मिनट आप लोग भी नहीं कमेंट बोले कि यहाँ पे आर होगा, तो एक मिनट हम इसे मिटा दें, यह हो गया, यह 14 होता है ना, यह 14 हो गया, आर 18 हो गया,
उसके बाद U कितना होता है 21, भी 22 होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे पोर्ट भी लिखना चाहिए तो हम भी 22 नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा भी हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका जो है ये ही आंसर है, ठीक है ना, समझ में आया नहीं, फिर से हम बता दे रहे हैं। देखिए इसमें जो है चार चार का अंतर है, चार चार का सम अंतर है, तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं आराम से, 12 इसमें देखेंगे आप 12 जोड़ोगे तभी 24 आया, उसके बाद आप इसमें देखेंगे दो दो आया तो आप इसमें भी 12 जोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर वाले 12 जोड़ोगे तो आप इसमें भी 12 जोड़ेंगे, 12 दो 14 हो जाएगा, तो 14 एन आर भी, इसका आंसर यही एकदम, तो किताब में भी दिया है आंसर यही इसका है, ठीक है ना, सही है एकदम। उसके बाद दो क्वेश्चन हो गया, उसके बाद अब हम वीडियो देखने कितना मिनट हुआ तो बताएं आप लोग को, भाई वीडियो जो है 20 मिनट की बन चुकी है, उसके बाद 21 मिनट की, तो हम वीडियो को समाप्त करेंगे, ये पार्ट फर्स्ट बना देंगे और पार्ट सेकंड बहुत जल्द लाएंगे, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, तो जय हिंद।